नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राणा, चीफ ईएनटी सर्जन, आपके लिए इस प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्थ केयर, इसके सेगमेंट में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आने वाले ज़िंदगी में आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। मैंने पाकिस्तान में नाक कान गले की बीमारियों के सिलसिले में पहली कॉन्फ्रेंस बराए नाक कान गला ऑर्गेनाइज़ की, जिसकी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, जिसमें जनरल ज़िया उल हक़ साहब ने आके सदारत की थी। 1981 में मैंने लाहौर में मरक्कत की। लोगों को बताया गया कि नाक कान गले की बीमारियों को हम किस तरीके से रोक सकते हैं और किस तरीके से इनका जदीद इलाज हो सकता है, और ख़ासतौर पर बहरापन की तशखीस के लिए बहुत काम हुआ। थर्ड सार्क ईएनटी कॉन्फ्रेंस 2002 में मैंने लाहौर में मनक़द करवाई, जिसमें गैलेक्सी ऑफ ईएनटी सर्जन दे केम, और उसमें मेन ये चीज़ थी कि दिल्ली से, बॉम्बे से, कराची से, हर जगह से जो लोग आए, उन्होंने एक ही चीज़ पर जोर दी कि हमारे सार्क ममालिक यानी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनके अपने मसाइल हैं। ये खिता एक प्लेट की तरह है, यहाँ की बीमारियाँ कॉमन हैं, इसलिए हम इनके मतलब जो सबसे ज़्यादा जो इशू जिसके ऊपर डिस्कस हुआ वो कान का बहरापन था, क्योंकि हमारी गर्म और मरतूब आबो हवा है जिसमें नाक कान गले की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और ख़ासतौर पर ईयर डिस्चार्ज, कानों का बहना है, वो इंडिया में भी मैंने देखा। मैं इलाहाबाद में गया हूँ, मैं बनारस में गया हूँ, कलकत्ता में मैंने देखा है, न्यू दिल्ली, होशियारपुर में मैं गया हूँ, इन तमाम जगहों पर मैंने देखा। हमारी एक स्टडी थी सार की तरफ से कि ईयर डिजीज इस खत्ते में क्यों ज़्यादा है, वहाँ यह कि छपड़ों में, नदी नालों में, जैसे आप लाहौर में भी देखें, ये किस तरह बच्चे किस तरीके से ये नहर के ऊपर छलांगे लगाते हैं, इसे कान का बड़ा गर्क हो जाता है, कान में फंगस हो जाती है, उल्ली हो जाती है, कान बहने शुरू हो जाते हैं, कान में रप्चर हो जाता है, कान में फेड़े फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं। हकीकत वाली बात है कि ये एक्चुअली एक बहुत बुरा ये अमल है, जिससे आने वाले वक्त में आदमी को अंदाज़ा होता है। वक्ती तौर पर जो कान की बीमारी है वो फौरन नहीं परेशान करती, लेकिन लेटर ऑन इन्फेक्शन, इट कैन ट्रेवल टू द ब्रेन, देन इट कैन कॉज इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन, यानी ब्रेन के में एब्सेस हो सकती है। अब मैं आगे चलता हूँ। हमारी कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में हुई, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और इस कॉन्फ्रेंस का क्या खूबसूरत नाम था, नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस, कि नाक के लिए हमने 2000 सालों में क्या किया और आगे क्या करना है। और इस प्लानिंग में उन्होंने कहा था कि नाक जो है, एक स्लोगन दिया गया था उधर वाशिंगटन डीसी में कि नाक का रास्ता खुला रहना चाहिए, नाक में जिस शख्स की रुकावट है उसकी ज़िंदगी में रुकावट है, नाक की जो कब्ज़ है ये भी नुकसान दे, जैसे अंतड़ियों में रुक जाए कोई चीज़ तो वो प्रॉब्लम खास करती है, नाक जिसके में गदूद बन जाते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, पॉलिप्स बन जाते हैं अंगूरों की तरह, नाक बंद हो जाता है एलर्जी की वजह से। वैन एवर देर इज ऑब्स्ट्रक्शन देर इज इन्फेक्शन, इट इज़ ए इंटरनेशनल लॉ। जहाँ रुकावट होगी आपके घर की नाली है, उसमें पत्थर फंस जाएगा, घर पीछे सारा बदबूदार हो जाएगा। ये मैं लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ लग सके। इस तरह हलक के रेशे केरे के ऊपर बात हुई, जैसे आपकी छत टपकती है, नीचे कार पर टेबल हर चीज़ ख़राब हो जाती है, इस तरह आदमी का गला, उसकी चेस्ट, उसको दमा हो जाता है, रेशा नाक में से कानों में जाता है, कान बहरे हो जाते हैं। इसके ऊपर ये नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें ख़ास तौर पर यह था कि नाक की हड्डी का ऑपरेशन बचपन में भी कर देना चाहिए, उसको 20 साल 18 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत को नहीं। उस ऑपरेशन का नाम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में ये स्लोगन हम लेके आए पाकिस्तान में, इसके ऊपर काम किया। अभी जो उससे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस 2002 में हमने सार्क में यहाँ पर लाहौर में एक और चीज़ जिसके ऊपर जिक्र किया गया कि टॉन्सल्स के ऊपर। अब टॉन्सल्स जो हैं ये घर घर का मसला है, बच्चों में, जवानों, बूढ़ों, खासकर बच्चे जो स्कूल गोइंग एज है उसमें ये टॉन्सल्स जो हैं इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। बच्चे जिनके गले में टॉन्सल्स पीप ज़्यादा हो जाते हैं, उनके कान बहना शुरू हो जाते हैं, उनको और प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात यह है कि जोड़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। टॉन्सल्स की बीमारी के ऊपर हमारी दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस थी, फिफ्थ सार्क ईएनटी कॉन्फ्रेंस अशोका होटल में हुई, जो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, वहाँ पर 5000 ईएनटी डॉक्टर मौजूद थे। वहाँ पर टॉन्सल्स के लिए ये कहा गया कि ये 5 साल की उम्र से ये इसका अमूमन हम ऑपरेशन शुरू करते हैं और यंग एज तक होता रहता है। असल चीज़ ये है कि ये अगर ना टॉन्सल्स का प्रॉपर टाइम पे ऑपरेशन हो तो बच्चे के कान ख़राब हो जाते हैं। स्कूल गोइंग एज में ख़ासतौर पर जिस बीमारी का इंसिडेंस है, ये मेयो हॉस्पिटल लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने यहाँ पर 20 साल के अरसे में यही देखा है कि माएँ बच्चों को ख़ासतौर पर जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी लेके आती थी कि जी बच्चे के गले बड़े ख़राब हैं। अब ऑपरेशन का जब हमने जिक्र करना, उन्होंने कहना जी नहीं रहने दें ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन 5 मिनट का ऑपरेशन है, गला खोल के हम कर देते हैं, जिसमें आप लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो विच आई विल टेल यू दैट्स कॉल्ड एज क्रायो सर्जिकल टेक्निक, इवन द लेज़र सर्जरी इज़ वेरी यूजफुल, जिसमें खून नहीं निकलता, स्टिच लगाने नहीं पड़ते, मरीज़ उसी दिन फारग होकर चला जाता है। ये एक नई चीज़ है, जैसे पहले लोग हज पे पैदल जाते थे, अब बाइयर जाते हैं, कितना डिफरेंस है। बड़ी जहाज़ पे जाते थे, वो भी हमारे अपने दौर में हमने देखा, अब चीज़ें आगे आ गई हैं, हमने नई चीज़ों को
अडॉप्ट करना, ये स्लोगन था इंडिया में फिफ्थ सार्क में। मैंने इसकी आई कैंडल लाइटिंग सेरेमनी परफॉर्म की, सातों ईएनटी के प्रेसिडेंट मुल्कों के, उनका हेल्थ मिनिस्टर और उनका मेडिकल कोर का हेड एडमिरल वी के सिंह वो खड़े हैं, जहाँ पर पाकिस्तान को भी इज्जत मिली, हमें भी मिली, और आई डिड द कैंडल लाइटिंग सेरेमनी एंड इनॉग्रेशन वॉज डन। आगे जो उसका मेन थीम उस कॉन्फ्रेंस का था, जिसमें कुछ तकरीबन 5,000 ईएनटी के डॉक्टर मुख्तलिफ खितों से आए हुए थे, कि इस बड़े शहर में जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह शामिल हैं, यहाँ पर लोगों को हेल्थ शऊर को हमने उभारना है। हेल्थ की यहाँ प्रायोरिटी नहीं है, जहाँ गुर्बत है, जहालत है, जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि आप कान में तेल नहीं डालना, अब लोग कान में तेल डाल देते हैं, चाबी है ये देखिए, चाबी मारते, चाबी फेरते फेरते कान का पर्दा। इवन मैं आज आप बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कार्टन बर्ड का यूज नहीं करना, कार्टन बर्ड को तोड़ दिया गया था उस कॉन्फ्रेंस में, ये मैं जिम्मेदारी से बताता हूँ। यही इसके बाद मलेशिया क्वालालंपुर में हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 10th एशिया में एक स्लोगन दिया गया हेयरिंग फॉर ऑल, उसमें खास तौर पर कार्टन बर्ड का जिक्र किया कि कान में ये करते करते कान में वैक्स जो है ये इट इज द डिफेंस ऑफ योर बॉडी, इट इज द आर्मी ऑफ योर ईयर्स, इसको प्लीज कान में से ना निकालें, लेट इट स्टे देयर। अगर आप इसको निकालेंगे कान का दिफा कमजोर हो जाएगा, और सुबह उठ के वो खबत होता है कि जैसे मुंह धोया इस तरह कान में वो कोई ना कोई कार्टन बर्ड के जरिए सफाई शुरू कर देते हैं, उसे नुकसान होता है। इसी तरह आगे और मैं कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूंगा, हमारी ये कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें खास तौर पर यह जिक्र किया गया कि नाक जो है स्नीजिंग, छींकों का आना, नाक में हदूद का बनना, इसको हम प्रिवेंटिव वे से भी कर सकते हैं, और फिर बाद में एक खास तरीका फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिससे नाक में पॉलप्स दोबारा नहीं बनते। आम तरीके से करें तो पॉलप्स 2 महीने के बाद बन जाते हैं, हदूद बन जाते हैं। उसमें खास तौर पर हमारी जो उस वक्त अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वर्ल्ड प्रेसिडेंट थी प्रोफेसर जेनिफर, उन्होंने मुझे खास तौर पर 2-3 सीरीज दी, जो मैंने अपने पहले टेलीविजन के PTV के प्रोग्राम में भी मैंने उनको जिक्र किया था, कि अब हमने जदीद चीज़ों को अडॉप्ट करना है, रवायती चीज़ों से हटें। सिक्का राइजुल वक्त चलता है, 3,000 साल पुराना सिक्का, यूनानी सिक्का लेके मार्केट में जाएंगे वो नहीं चलेगा। जब बाकी चीज़ों में हमने चलने फिरने में हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, अब मुंशी की बजाय हमने कंप्यूटर रख लिया, हाथ के पंखे की बजाय हमने एयर कंडीशनर यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वाई नॉट फॉर द हेल्थ, सेहत के लिए हमें पीछे नहीं जाना, इसके लिए वी हैव टू गो विद द अदर नेशंस। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली हमारी टर्की में कॉन्फ्रेंस थी, ये 10th इंटरनेशनल कांग्रेस थी ENT की, जिसमें 170 मुल्कों से लोग आए हुए थे और 3,500 लोगों का मजमा था। वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी अल्लाह की मेहरबानी से मैंने की, आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन दैट कॉन्फ्रेंस। उसमें 3-4 चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर जिक्र किया गया, एक जिक्र ये था कि जैसे अमेरिका में जो मैक्सिमम इंसिडेंस है स्नोरिंग का, क्योंकि लोग मोटे बहुत होते हैं, मोटापे के साथ स्नोरिंग शुरू हो जाती है, रात को खुराटे आते हैं जिसको, अब खुराटों की वजह से अमेरिका में मैक्सिमम डाइवोर्सेज होती हैं, इट्स लाइक एनीथिंग। अब उसके लिए हम लोगों ने, और ख़ासतौर पर उस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका शिकागो से प्रोफेसर डेविड आए हुए थे, उन्होंने कहा कि एंटी स्नोरिंग सर्जरी करके, और उसकी बकायदा स्लाइड दिखाई गई, उसको उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया, इट वॉज अ स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर हाउ वी कैन रिलीव ए पर्सन फ्राम स्नोरिंग, या स्लीप एपनिया जो है, या स्लीप सर्जरी, ये नए टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर आज तक बात नहीं हुई। ये वो बात है जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये खुराटे आने को हम ठीक कर सकते हैं, ये अब हमारे लिए एक मिस्ट्री नहीं है। पहले तो ये था जी आते हैं तो आते रहें, अब वो एक कमरे में मियां बीवी सो नहीं सकते, हमारे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे तो खैर इसमें इतना रिवाज नहीं है कि लोग डाइवोर्सेज की हद पे चले जाएं, बट स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लम। हमारे औरत जो है ईस्ट में, उसको सब्र और उसको कनात और उसमें सब्र है, लेकिन अगर हम अब उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं तो ठीक करना चाहिए। लोगों में शऊर होना चाहिए कि ये वो तकलीफ है स्नोरिंग, विच कैन काज ए प्रॉब्लम इन द डोमेस्टिक लाइफ, आदमी की जो सोशल लाइफ है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जिसके ऊपर जिक्र किया गया वो बहरापन है। बहरापन के लिए हमें डायग्नोसिस में देर नहीं करनी चाहिए, ये एक स्लोगन था हेयरिंग फॉर ऑल, ये मुझे उन्होंने 10th एशिया ENT कॉन्फ्रेंस मलेशिया क्वालालंपुर में भी उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन दैट। 2003 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इन मलेशिया, जिसमें मैंने खास तौर पर जिक्र किया कि हमारे मुल्क में आई रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, आई हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन इजिप्ट आल्सो, उसी वक्त कायरो में भी, ये मेरी वहाँ कायरो की आप फोटोग्राफ दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चों में जो कान बहना है, इसके लिए अगर टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बर वक्त कर दिया जाए तो कान के ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि
ट्यूबर टिम्पेनिक डिजीज ऑफ द ईयर इट रिस्पॉन्ड टू ट्रांसलेक्टमी, इससे सेइंग मेडिकल प्रोफेशन के लोग समझ गए कि कान में अगर ट्यूबर टिम्पेनिक डिजीज है, कान बेहतर बच्चा है। मेयो हॉस्पिटल लाहौर का मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर आउटडोर में जब हम कहते थे जी ये कान आपका बच्चे का जो है ये सपोज सुनता नहीं है, नाजिन मेयो हॉस्पिटल लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मेडिकल स्टडीज इन द सब कॉन्टिनेंट, इसमें मैंने पढ़ाया भी है, मेयो हॉस्पिटल में मैंने काम भी किया है नाक कान गले के शोबा में तवील अरसे के लिए। वहाँ पर यही है कि लोगों को शऊर नहीं है कि हम सर्जिकल तरीके से चलें, जब किसी को ऑपरेशन का बताते हैं तो जान छड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरी आपसे इल्तमास है कि एक 5 मिनट का ऑपरेशन गले का उसको सारी ज़िंदगी की दुआओं से निजात दे सकता है। इस तरह नाक की हड्डी जो है इसके मतलब बात हुई या टर्की वाली हमारी कॉन्फ्रेंस में सेप्टोप्लास्टी पे जिक्र किया गया कि छोटी उम्र में 4-5 साल 6 साल 8 साल का बच्चा है उसको 18 साल तक या नहीं उसका अगर उसका नाक बंद है तो उसकी हम हड्डी का ऑपरेशन कर देंगे। और नाक की हड्डी में लेज़र का भी यूज़ है, वदूदों में भी यूज़ है। लेज़र की सर्जरी की वजह से ऑपरेशन आसान हो गए हैं। अगेन आई विल रिपीट कि एडिनाइट्स एक प्रॉब्लम है जो छोटे बच्चों में होता है, द चाइल्ड इज़ ए माउथ ब्रीदिंग। अब उस माँ जो है वो बच्चे को वाच करे, वो बच्चा मुंह से सांस लेता है तो चेक करें अगर एडिनाइट्स हैं तो उसका ऑपरेशन बर वक्त हो जाना चाहिए। एडिनाइट्स से बच्चे की शक्ल और अकल, ये मेरा स्लोगन है। आई रेड इट देयर इन इंडिया, उन्होंने बड़ा पसंद किया, द पीपल लाइक इट, कि मेरी ये टर्मिनोलॉजी में कि बच्चे की शक्ल और अकल, वाकई एडिनाइट्स से बच्चे का ब्रेन और उसका चेहरे का फ्रेम दोनों मुतासर होते हैं और हर वक्त ऐसे मुंह खोला रखता है बच्चा, तो उसको हम 2 मिनट के ऑपरेशन के साथ ठीक कर देते हैं। अब उसके बाद और मैं जिक्र करूंगा ये खास तौर पर जो आला समाज के लिए, अब आला समाज जो है अगर बच्चे को हम 6 माह की उम्र में उसको असेस करके जल्दी लगा देते हैं तो वो जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी और जो बच्चा सुनेगा वो गूंगा नहीं होगा। गूंगापन आता ही बहरापन से, अगर एक बच्चा उसको बर वक्त हम ठीक कर देंगे इज़ ओके। हम स्पीच थेरेपी भी कर सकते हैं, बाज़ बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं 1 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में, वी शुड गिव देम द हियरिंग एड और उसके बाद उसको स्पीच थेरेपी करें, वो माशरे का फाल रुखन बन जाएगा। मैंने ऐसे कई मरीजों का इलाज ऐसे 20 साल पहले भी किया और कई इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट तक बने हैं। तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इलेक्शन लड़े उन्होंने, सुना है बोलते। बात यह है कि जो वक्त गुजरा है अल्लाह ताला की मेहरबानी से हेल्थ के शोबे में मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रही है और उसका फ़ायदा हमने उठाना है। मैंने टेलीविजन पे 1000 से ज़्यादा लेक्चर दिए हैं, पाकिस्तान में किसी डॉक्टर ने इतने लेक्चर नहीं दिए राइट फ्रॉम 81। आई हैव बीन एजुकेटिंग द मासेस, अवेयरनेस दी है कि सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी दें और हेल्थ के लिए मेरा ओपनिंग सेंटेंस यही होता था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत एक ताज है जो विच इज़ ओनली विजिबल टू द सिक। ये एक हेल्थ जो है ये इट्स ए क्राउन विच इज़ ओनली विजिबल टू द सिक। बात यह है कि सेहत की अच्छाई के लिए नाक कान गला आपका अगर सेहतमंद होगा तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और इससे आगे सिंपल सी मैं जो एंड पे बात जरूर करूँगा, हियरिंग फॉर ऑल, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। हमारी हियरिंग फॉर ऑल फाउंडेशन है डेफनेस, जिसमें हमने लोगों को बताना है कि हर शख्स को हमने सुनने के काबिल करना है। ओल्ड एज में अगर आला समाज लग जाए तो आदमी बूढ़ा नहीं होता, वह फिर मुआशरे का एक फाल रुकन बन जाता है। बुढ़ापा आता ही तब है जब बंदे को डेफनेस आती है और डेफनेस की वजह से आदमी मुआशरे में आइसोलेट हो जाता है। तो जस्ट सिंपल विद द हियरिंग एड वी कैन मेक ए पर्सन यूजफुल टू द सोसाइटी एंड फॉर हिमसेल्फ आल्सो। और अगेन आई विल रिपीट कि हमारी जो टर्की की कॉन्फ्रेंस थी जिसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से सीखा भी है, उसमें लोगों को शेयर भी किया और उनकी बातें सुनी हैं, उसमें स्नोरिंग के लिए बात की गई, उसमें नाक की हड्डी के लिए बात की गई, उसमें टॉन्सल्स के लिए बात की कि टॉन्सल की वजह से बच्चे का कान, बच्चे का कद, नश्वनुमा, उसके गुर्दे, उसके जोड़ मुतासर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉन्सल का ऑपरेशन अगर बर्वक कर दिया जाए, सुबह करें शाम को बच्चा भागा दौड़ा फिरता है, चे जाएगा वो सारी ज़िंदगी कभी सब्ज़ रंग की एंटीबायोटिक खा रहा है, कभी पीले रंग की खा रहा है, कभी उसके जोड़ मुतासर हो रहे हैं, कभी उसकी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। यानी आप चीज़ें बड़ी अल्लाह की मेहरबानी से सुंदर हो गई हैं, ज़िंदगी कंफर्टेबल हो गई है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बात यह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आदमी को स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप बैठे बैठाए सोचेंगे जी ये गले ठीक हो जाएंगे, नहीं, वो ये छोटा सा एक ऑपरेशन करवाएं ठीक, नाक की हड्डी है इसका मसला है इसको क्लियर करें। इस तरह कान अगर बैठा हुआ बच्चा आया तो उसके कान के लिए हम यंग एज में भी और ओल्डर एज में भी उसके कान को रोक सकते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर मैंने स्ट्रेस दिया है कि जदीद चीज़ों को अडॉप्ट करें, आपकी ज़िंदगी सुंदर रहेगी।